सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. नाउ व्हाट इज सेल बायोलॉजी? डू एनीवन नो अबाउट दिस? पहली बार टर्म सुने हो या इससे पहले सुन चुके हो? सेल बायोलॉजी, सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? पांचवी छठी से पढ़ते आ रहे हो. व्हाट इज सेल? ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड एज सेल. नाउ सेल विल हैव अ लॉट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म विद इन इट, वी विल परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. नाउ सेल बायोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू द सेल्स, वॉट रिस्पेक्टिव सेल इट इज एंड देयर सेल ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ इसका दूसरा नाम इज साइटोलॉजी. ओके, सेल एंड सेल रिलेटेड प्रोसेसेस एज वेल एज देयर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज साइटोलॉजी. नाउ इसके अंदर टर्म आया है स्टेम सेल्स करके. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बट स्टेम सेल्स तुम्हारे बॉडी में जो होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोगों ने काफी जगह पे सुना होगा स्टेम सेल्स का प्रिजर्वेशन वगैरह, एड्स वगैरह काफी आती है. सो वॉट इज स्टेम सेल्स एंड वाई आर दे प्रिजर्व? तो स्टेम सेल्स तब होते हैं जब तुम लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है, एज इन ये मल्टी सेल्यूलर ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. यहां पे इन लोगों ने ह्यूमंस का एग्जाम्पल दिया है. फॉर द स्टार्टर्स, जो स्टेम सेल्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. मतलब ये एक हिस्सा समझ लो कि ये बेबी सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ये बड़े होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होंगे. मतलब एक मेन सोर्स ऑफ सेल विच इज गोइंग टू मेक योर लिवर, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स एज वेल. ओके, सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वूंड हीलिंग, वेरी नेसेसरी. अभी इनका साइट जो होता है बोन मैरो, रेड बोन मैरो में होता है, एंड देन ये यहाँ पे डेवलप होते हैं. इनको लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में डेवलप होते हैं. नाउ दीज सेल्स दीज आर डेवलपिंग देयर, वहां से प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन मच्योर कहाँ होते हैं? बाहर आने के बाद. एज इन दे विल टारगेट अ पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे हिपैटोसाइट्स मतलब लिवर के सेल्स होते हैं, तो हिपैटोसाइट्स जो होंगे दे आर गोइंग टू ओनली मेक, मच्योर होने के बाद दीज सेल्स आर गोइंग टू मेक योर लिवर. समझे? So at the earliest stage of fertilization, a mass of cell is developed. This is called as stem cell. जब fertilization हो गया होता है, now fusion of male and female gamete के बाद, once the cell starts mitosis. Mitosis एक बार start हो गया ना, मतलब cell division, multiplication of your cell, तब वो mass of cell बनाता है. Before forming and बोलते हैं ना कि fetus form होने से पहले का जो mass of cell होता है That is your stem cell. समझे? Any doubt? Present in umbilical cord of the baby. अभी location देखो कहाँ कहाँ मिलते हैं तुम लोगों को. At the earliest, it is present in umbilical cord of the baby. Blastocyst stage of embryonic development. Red bone marrow, adipose, connective tissue. ये सारे site of location है जहां पे तुमको possibility है कि stem cells मिलेंगे. Now, sample collected carefully from blood, red bone marrow or embryo, kept in sterile vials and preserved in liquid nitrogen at -135 to -190 degrees Celsius. Now, these cells are very useful. So, future purposes के लिए अगर doctor तुमको सलाह दे रहा है कि preserve your stem cells, you should do that. So, while the mother is pregnant, a doctor जो है उसको suggest करता है कि you have to, if you want, you can preserve your stem cell for further use. Okay, so this stem cells are used in various treatment of diseases. Gene therapy में होता है, cancer के लिए होता है, काफी सारे diseases जिसको treat करता है. So इसीलिए वो लोग stem cell preservation program है, उसके through aware करते हैं mothers को, जो pregnant mothers होती है उनको, and then वो लोग अगर चाहे तो वो stem cells preserve कर सकते हैं. It comes with a cost, but then हर किसी की मर्जी होती है. सो दिस सैंपल्स जो है वो प्रिजर्व करते हैं वेरी केयरफुली. नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है विच हैज एबिलिटी टू फ्रीज एनीथिंग, उसके थ्रू ये वायल्स में तुम लोगों का जो लोकेशन होता है जैसे कि बोन मैरो या अम्बिलिकल कॉर्ड, एट द अर्लीस्ट स्टेज इसको एक्सट्रैक्ट, ये सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ.
जैसे ही बेबी का बर्थ हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड से दे एक्सट्रैक्ट दिस सेल्स एंड प्रिजर्व एट द लोएस्ट टेम्परेचर -135 to 190 degrees सेल्सियस, और छोटे छोटे वायल्स में ये लोग सेव करके रखते हैं। नाउ दीज सेल्स दीज आर गोइंग टू बी, अभी तुम लोग बोलोगे कि ये सेल्स होते कैसे, दिखते कैसे। नाउ दीज आर द ब्लड सैंपल्स दैट आर गोइंग टू गेट स्टोर्ड। ये ब्लड के अंदर जो है स्टेम सेल्स रहेंगे। ओके, स्टेम सेल्स का ऐसा पर्टिकुलर लिक्विड कलर नहीं रहता है, दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड ओनली। सो ब्लड के सैंपल्स तुम लोगों के छोटे छोटे वायल्स रहेंगे, फिर प्यूरिफाई करके प्रोसेस करके उसको स्टेम सेल्स को जो है वो लोग सेपरेट आउट करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड देन इसको -135 to 190 पे प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेम सेल रिसर्च बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ, नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेयर फ्रॉम वेयर द स्टेम सेल हैज बीन डिराइव, दो तरीके के होते हैं। एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है, जहां पे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो होता है तुम लोगों का एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तब लेते हैं जब मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी एट द अर्लीएस्ट स्टेज ऑफ एनी सेल दैट इज फ्यूज्ड विथ ओवम, यहां पे स्पर्म या कोई और रिप्रोडक्टिव सेल नहीं यूज किया जाएगा, यहां पे ओवम यूज किया जाता है, समझे। एंड देन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होता है माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करता है एंड इट विल फॉर्म अ सेल बिफोर डिफरेंशिएशन 5 to 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं ये तुम लोग, नाउ देयर इज अ ड्यूरेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट टेक्स अबाउट 14 days टू फॉर्म अ फीटस। कितना, एक से लेके आफ्टर फर्टिलाइजेशन 1 to 14th day, जो ये टर्म होता है ना इन दोनों के बीच में जो मास ऑफ सेल होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही स्टेम सेल्स हम लोग यूज कर सकते हैं बिकॉज दीज आर दी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। यहां पे इनको अपना फंक्शन, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब इनको अभी अपना फंक्शन पता नहीं है, दे आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज, बाद में मच्योर होंगे, डिफरेंशिएट होंगे एंड देन उनको पता चलेगा कि उनको कौन से ऑर्गन पे जाना है या कौन सा ऑर्गन फॉर्म करना है। सो बिफोर दैट जो 5th और 7th day तक, 1st to 5th and 7th day ये टाइम जो होता है ये बेस्ट टाइम होता है टू कलेक्ट स्टेम सेल्स, समझे। दीज आर व्हाट योर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक मतलब एग और अर्लीएस्ट, एट द अर्लीएस्ट जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। नाउ अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं ये जो, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड, कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड। अभी यहां पे एक डिफरेंस क्या है, नॉट ओनली के ये बिफोर अनडिफरेंशिएटेड सेल से पहले पहले जो तुम लोगों के अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं दीज आर कलेक्टेड आफ्टर अ पर्सन इज ग्रोन अप। ओके, तो ये अगर पूरा फुली ग्रोन पर्सन है तो उसके स्टेम सेल्स कहां मिलेंगे, अभी बोलते हैं कि बच्चों में ज्यादा स्टेम सेल्स मिलते हैं, तो अडल्ट स्टेम सेल्स भी होते हैं, दीज कैन बी फाउंड इन एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट आगे बोलो, और कहां पे, रेड बोन मैरो एज वेल एज ब्लड। नेक्स्ट अप इज यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स, जो स्टेम सेल्स है वो कौन से फील्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट अप इज योर रीजेनरेटिव थेरेपी, रीजेनरेटिव थेरेपी का मतलब यही होता है, रीजेनरेशन मतलब कोई भी सेल को वापस से क्रिएट करना, तो जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए स्टेम सेल्स जो होते हैं बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो दिस कैन ट्रीट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज एंड इन केस ऑफ डायबिटीज। तो ये सारे सेल्स जो है वो रिप्लेस करेंगे, कोई डाउट है। सो दीज आर द सेल्स आर विच गोइंग टू बी रिप्लेस्ड इन रीजेनरेटिव सेल थेरेपी एंड ब्लड सेल्स, जो केस ऑफ एनीमिया होता है, एज इन जिसको खून की कमी बोलते हैं, एनीमिया इज अ कंडीशन वेयर इन खून की कमी होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं तुम्हारे ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये काफी हद तक कम हो जाते हैं, सो उसके रीजेनरेशन के लिए भी इट इज यूज्ड। सो योर स्टेम सेल्स आर वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू रीजेनरेटिव सेल थेरेपी। नेक्स्ट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑर्गन जैसे कि किडनी और लिवर, स्टेम सेल्स जो होते हैं दीज कैन बी लेबोरेटरी ग्रोन, मतलब लैब में इसको कल्चर करके, सेल्स को कल्चर करके
किडनी, आर्टिफिशियल किडनी, नॉट आर्टिफिशियल बट ह्यूमन मेड और लैब मेड किडनीज एंड लिवर बनाया जा सकता है एंड दिस कैन बी गेट ट्रांसप्लांटेड इन टू अ पर्सन. क्लियर. नेक्स्ट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का. वॉट इज एग्जैक्टली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज, अभी जितने भी तुम्हारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं एट सम पॉइंट ड्यू टू ओल्ड एज और ड्यू टू एनी डिजीज इट इज गोइंग टू स्टॉप वर्किंग और ये अपनी इफिशियंसी कभी कभी लो कर जाते हैं. तुम लोगों का लिवर और किडनीज का बेस्ट एग्जाम्पल है कोई कोई बैड हैबिट्स की वजह से. जैसे कि बैड हैबिट्स यहाँ पे क्या क्या है फॉर लिवर, नॉट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग. ओके, ड्रिंकिंग एल्कोहल वगैरह ये लिवर के लिए काफी, लिवर क्रायोसिस होता है इसकी वजह से तुम्हारा लिवर जो है उसका फंक्शनिंग गोज वेरी लो, समझे. तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऑर्गन को रिप्लेस करना पड़ेगा. अब वो ऑर्गन हम लोग रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, एक लाइव ह्यूमन है उसको मार के करने का नहीं. सो इट कैन ओनली, अभी बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से ये स्टेम सेल्स के द्वारा इट इज पॉसिबल के तुम लोगों का रीजेनरेट करके लिवर ट्रांसप्लांट कर दे, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. क्विक मेथड क्या है कि एक डोनर होगा, डोनर अपना लिवर डोनेट करेगा या लिवर का एक हिस्सा डोनेट करेगा एंड दैट पर्सन, उसको लिवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा. नाउ फॉर दिस, इन दिस केस द डोनर एज वेल एज द रिसिपिएंट दोनों मैच होने चाहिए. अगर मैच नहीं हुए एज इन ब्लड ग्रुप से या ऑर्गन के इससे फंक्शनिंग से अगर मैच नहीं हुए तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ ऑर्गन डज नॉट मैच और ब्लड वर्क डज नॉट मैच, द पर्सन विल अल्टीमेटली वॉमिट एंड डाई. लिवर फंक्शनिंग वैसे ही बंद हो जाएगी, फिर वो आदमी जो होता है दैट पर्टिकुलर पर्सन विल अल्टीमेटली डाई वाया ऑर्गन फेलियर, समझे. ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन. नाउ आजकल के जमाने में ऑर्गन और बॉडी डोनेशन काफी कॉमन हो गया है. पहले जमाने में ये लोग क्या करते थे, हर किसी रिलीजन के अपने कस्टम्स और राइट्स होते हैं आफ्टर डेथ, तो उस हिसाब से बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता था. बॉडी को और उसके ऑर्गन्स के साथ साथ डिस्पोज ऑफ किया जाता था. कोई जो है बरी करते थे, सॉइल में बरी करते हैं, कोई फायर में जलाते हैं. सो हर किसी के कस्टम्स के थ्रू द बॉडी इज डिस्पोज्ड ऑफ और उसकी वजह से क्या हो जाते थे, जो यूजफुल और वाइटल ऑर्गन्स होते थे वो भी खत्म हो जाते. लेकिन आजकल के जमाने में ये इतना कॉमन हो गया, इतना अवेयरनेस बढ़ गया है ये चीज का कि अगर दैट अ पर्सन डाइड लेकिन उसके ऑर्गन वेल फंक्शनिंग है, आईज है, किडनी है, हार्ट है, लिवर है, जितने भी ऑर्गन्स है दीज आर वेल एंड इन फंक्शन, तो उसको तुम डिस्पोज ऑफ करने से अच्छा है किसी को दान दे दो, किसी की जिंदगी सवर जाएगी. सो आजकल के टाइम में हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, दे गिव यू अ फॉर्म. जब एक पर्सन मरने वाला होता है या क्लोज टू डेथ होता है, दे गिव यू अ फॉर्म. तुम लोगों के ऊपर है इफ यू वॉन्ट टू डोनेट द बॉडी टू मेडिकल पर्पज, मेडिकल रिसर्च के लिए देनी है या ऑर्गन जो है किसी और को देने सो दैट वो आदमी या औरत या बच्चा फॉर दैट केस जिंदा रह सके. क्लियर, समझ में आया. बायोटेक्नोलॉजी अगला टॉपिक है ना. बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट, बायो एंड टेक्नोलॉजी से तुमको क्या समझ में आता है, व्हाट इज बायो, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है. इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, यू डोंट नो व्हाट इज बायोलॉजी. स्टडी ऑफ लाइफ, हाँ दैट इज बायो. व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब क्या होती है, ये टेक्नोलॉजी क्या देख रहे हो तुम लोग, डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स और डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फील्ड ऑफ साइंस. सो बायोटेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर मतलब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ एनी लिविंग बींग, समझे. हाँ, सो इसमें यूज ऑफ वेरियस माइक्रोब्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एंड मोलासेस फ्रॉम एल्कोहल. यूजेस देखो पहले बायोटेक्नोलॉजी के कहाँ कहाँ किए जाते हैं. द ब्रांचेस विच बायोटेक्नोलॉजी इज डिवाइडेड इंटू साइटोलॉजी मतलब सेल बायोलॉजी यानी सेल का स्टडी और उसके प्रोसेसेस का स्टडी.
नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री विथ योर सेल्स, केमिस्ट्री ऑफ सेल्स एंड द बॉडी मेटाबॉलिज्म इज योर बायोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब ये जो तुम्हारा डीएनए आरएनए लेवल की स्टडी होती है इन द सेल, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड्स. नेक्स्ट अप इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और एनी ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब जीन चेंज किया जाता है या ऑल्टर किया जाता है सो दैट उसका वेराइटी इंप्रूव हो सके. क्लियर? Use of flavor, use of various microbes like yogurt production from milk and molasses from alcohol. Now these are few of your old techniques जो पहले से चलते आ रहे हैं. Production of antibiotics and vaccines with specific cells. Production of antibiotics and vaccines from specific cells. Now इसके बारे में भी आगे हम लोग elaborate करेंगे, how पहले your microbial cells और द वायरल सेल्स वर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ अ सेम काइंड, और अभी कैसा मतलब उसको इंसर्ट किया जाता है. आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नेक्स्ट अप इज यूज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर. डीएनए एंड प्रोटीन फॉर ह्यूमन वेलफेयर एज इन जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से डीएनए जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी स्टडी किया जाती है इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज, और वो क्रॉप को हम लोग को इम्प्रूव करना है तो पहले उसका हम लोग को जेनेटिक मेकअप निकालना पड़ेगा. नाउ दिस जेनेटिक मेकअप विल हेल्प अस टू नो कि हम लोग इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बी इट अ डिजीज और अ क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट. So, production of human growth hormones with genetically modified bacteria. So, production of, as in, growth hormones क्या होते हैं ये सारे? जो तुम लोगों के insulin होते हैं, estrogen होते हैं, progesterone होते हैं, ये सारे hormones genetically prepared होते हैं so that किसी की body में अगर ये कम ज्यादा release हो रहा हो तो उससे उसको treat किया जा सके. Use of genetic or non-genetic techniques. Genetic techniques जो होते हैं that includes the alteration of a DNA template. जो DNA और gene होता है तुम्हारे body में that gets altered, and then जो non-genetic है इसके अंदर आते tissue culture, production of hybrid seeds. As in ये lab grown ही होते हैं but इसमें कोई बोलते हैं ना कि cut नहीं होता, experiments involved नहीं होते ज्यादा. You have to just take a part of any plant. Sterile condition में you have to plant on culture media and leave it to grow. Okay? This is what your tissue culture is. Next is what are the benefits of having biotechnology in the life? So, increased production of crops irrespective of land. Now, इसकी वजह से क्या होता है? When biotechnology is introduced in industrial region, जो crops होते हैं these are grown hybrid variety या good quality crops. तो कम land में ज्यादा से ज्यादा production हम लोगों को कैसे किया जाए, which crop, which variety of crop is going to get yield very quickly, वो हम लोग बना सकते हैं. Okay? Next is expenses on disease control have been minimized. जितने भी crops plant होते हैं farming industry में, कभी कभी क्या होता है पेस्ट और इंसेक्टिसाइड्स, ये जो तुम लोग के फंजीसाइड्स हर्बिसाइड्स, इसमें ज्यादातर पैसा जाता है फार्मर्स लोगों का. सो अगर हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अगर हम लोग यूज करते हैं या डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप यूज करते हैं तो दिस कॉस्ट इज गोइंग टू गेट मिनिमाइज. अब ये डिजीज रेजिस्टेंट और हाइब्रिड क्रॉप्स कैसे बनते हैं? बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से. ओके, सम ऑफ द क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड, सम ऑफ देम आर रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड. Okay. Next is stress resistant variety withstand temperature, water stress, changing soil, fertility. Now apart from your pest or insect resistant crops, water stress matlab agar pani ki kami hoti hai to that crop will grow irrelevant tum usko kitna pani kam provide karo. Okay, wo if there is a gene in a plant or a grain, wo jo hai usko alter kiya jata hai ki kam water conditions mein bhi hai
जिंदा रह सके, तो चेंजिंग क्लाइमेट्स में भी ये जिंदा रह सके एंड इट विल ग्रो. नेक्स्ट इज कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी. सबसे पहला आता है कमर्शियल यूज में क्रॉप. क्रॉप जो होता है उसकी यील्ड मतलब प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने के लिए किया जाता है. यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन क्रॉप फील्ड्स इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड एंड द प्रोडक्शन ऑफ योर क्रॉप्स प्लस इंप्रूविंग द वेराइटी ऑफ देम. सो हाइब्रिड सीड्स पहले बात तो प्रोड्यूस किया जा सकता है. हाइब्रिड सीड्स एज इन हाइब्रिड बोले तो नाउ नो दैट के एनी टू टाइप एनी अदर टू टाइप ऑफ स्पीशीज इज टेकन प्लांटेड ऑन टू द फील्ड और इसका जो ऑफस्प्रिंग रहेगा ये सीड का जो ऑफस्प्रिंग रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिड वेराइटी नॉट प्योर ब्रेड. एक तो वाड़ा कोलम लो एक तो बासमती लो. ठीक है यहाँ पे राइस का एग्जाम्पल लेते हैं. एक वाड़ा कोलम राइस एंड देन बासमती राइस इफ ऑल टूगेदर सोन इन टू अ फील्ड तो ये दोनों का हाइब्रिड वेराइटी क्रॉप मतलब लॉन्ग रेन रहेगा और क्वालिटी इसकी सारी कोलम राइस की रहेगी. समझे दिस इज वॉट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोथ. नेक्स्ट अप इज योर बायो फर्टिलाइजर्स. नाउ बायो फर्टिलाइजर्स देर आर फ्यू बैक्टीरियाज और सर्टन काइंड ऑफ वायरस और बैक्टीरियाज विच हेल्प अ प्लांट टू ग्रो वेरी क्विकली एंड इन गुड कंडीशन. अभी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स तुमको मिलते हैं बराबर है ना. केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलते हैं ना कि नहीं मिलते. पहले लोग क्या यूज करते थे केमिकल फर्टिलाइजर ना. अभी बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं. व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स. तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे यहाँ पे केमिकल्स का यूज किया जाता था बट नावडेज फार्मर्स आर यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स जहां पे यूज ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स. समझे. नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या होता है यहाँ पे एक जीन जो है एक पर्टिकुलर राइस ले लो उसका डीएनए सैंपल उसको क्रश किया जाएगा एंड उसका लिक्विड मिक्सचर जो रहेगा इन सम लिक्विड इट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड एंड देन उसका डीएनए लेके निकालेंगे. आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए यू विल आइसोलेट वन जीन आउट ऑफ इट. डीएनए के बाद उसमें से एक जीन आइसोलेट होगा. अब दैट जीन इधर विल हैव एनी ऑल्टरेशन मतलब एक जीन उसमें से निकालेंगे या हम लोग एक डिजीज रेजिस्टेंट जीन को उसके अंदर डालेंगे. क्लियर. अब ये डिजीज रेजिस्टेंट जीन मैंने कहां से लिया है. फ्रॉम अदर बैक्टीरिया विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरियाज इन टू द सॉइल बैड बैक्टीरियाज इन टू द सॉइल एंड यील्ड द प्रोडक्शन ऑफ योर क्रॉप. टू इन वन काम करेगा ये बायो फर्टिलाइजर. तो इसका जो जीन लूंगी मैं एंड आई टेक इट एंड इंसर्ट इट इन टू द क्रॉप उसका डीएनए एंड देन आई लीव द सेल्स टू ग्रो. जैसे ही लैब सेल्स में लैब में ये सेल्स ग्रो होना चालू करेंगे इट विल टर्न इनटू अ सीड एंड ये सीड्स में प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे. दिस इज हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर. उसके अंदर एक डिजीज रेजिस्टेंट जीन पेस्ट रेजिस्टेंट जीन इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन ये सारे जीन्स जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं वाया बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स. नाउ तुम लोगों का जेनेटिकली मॉडिफाइड में सबसे पहला आता है बीटी कॉटन. बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरियन जेनेसिस. क्या बैसिलस थ्यूरियन जेनेसिस. बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्यूरियन जेनेसिस एंड व्हाई बैसिलस थ्यूरियन जेनेसिस बिकॉज दिस जीन व्हेन इंसर्टेड इनटू अ टाइप ऑफ कॉटन ये पेस्ट को और बुलवर्म्स जो होते हैं जो कॉटन में बुलवर्म्स रखते हैं उनको उसको दूर करेगा. बुलवर्म्स यानी दीज आर काइंड ऑफ पेस्ट दैट अफेक्ट कॉटन. कॉटन की खेतियों को अफेक्ट करता है काफी ज्यादा एंड इट ईट्स अप कॉटन एंड डिस्ट्रॉयज इट. सो बुलवर्म्स को दूर रखने के लिए बीटी कॉटन जो है हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड बनाते हैं इन लैब्स. नाउ नेक्स्ट अप इज योर बीटी ब्रिंजल. अगेन इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए ब्रिंजल मतलब तुम लोगों का वेजिटेबल है एग प्लांट जिसको बोला जाता है. नाउ ये वेजी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्लस इसको पेस्ट से दूर रखने के लिए
we include insert a gene of Bacillus thuringiensis, which is ineffective against any kind of pest and stress of the outer climatic conditions. Clear? इसकी shelf life बढ़ाएगा मतलब क्या है? Shelf life क्या होती है पता है? Expiry date बढ़ाएगा as in दूर करेगा. Golden rice. Now this golden rice जो होता है this will have 23 times more beta carotene present in it. It is golden in color again और इसके अंदर 23 times ज्यादा कैरेटीन बीटा कैरेटीन होगा. अभी बीटा कैरेटीन जो होता है इट इज वेरी यूजफुल फॉर योर साइट आंखों के लिए. ओके आंखें तेज होने के लिए या आंखों की साइट के लिए काफी यूजफुल होता है और ये कैरेट्स में पाया जाता है कैरेटीन. बट नाउ इन गोल्डन राइस अगर इसमें कैरेट से इंसर्ट निकाल के अगर गोल्डन राइस में इंसर्ट किया जाए तो 23 टाइम्स मोर बीटा कैरेटीन जनरेट होगा एंड देन योर गोल्डन राइस इज कंज्यूम्ड ऑन अ डेली बेसिस. ये कॉस्टली मिलता है काफी गोल्डन राइस जो होता है वो. सो गोल्डन राइस जो है इट इज काइंड ऑफ वेरी एक्सपेंसिव बट देन यू विल हैव 23 टाइम्स मोर बीटा कैरेटीन देन एनीथिंग इन इट. नेक्स्ट अप इज योर हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट. जो हर्बिसाइड टॉलरेंट अभी हर्बिसाइड्स क्या होते हैं अभी हम लोग एक फील्ड में प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन उसके साथ जो हमको नहीं चाहिए वो भी वीड्स जो है आसपास ग्रो हो रहे ड्यू टू सम पॉलिनेटेड एजेंट्स. जो तुम लोगों के बर्ड्स होगा विंड होगा कोई भी पॉलिनेशन का एजेंट रहेगा वो लाके कोई और वीड्स प्लांट आउट करेगा या ग्रो होने लगेंगे बट वो हमको वीड्स चाहिए नहीं. तो इसके लिए हम क्या डालते हैं वो अनवांटेड वीड्स को किल करने के लिए हम लोग हर्बिसाइड्स डालते हैं. करेक्ट. सो हम लोग वो डालने की बजाय वी कैन डू इन सच अ वे दैट वो जो प्लांट रहेगा इन दैट सॉइल अगर वही प्लांट किया जाएगा ओनली दैट विल ग्रो एनी अदर वीड्स वोंट ग्रो आउट. क्लियर?